जय महाकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। जी हाँ, आज का जो मेरा वीडियो है SSB कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन ड्राइवर के, आप लोग के यहाँ पे फिजिकल चल रहे हैं। आप सभी लोगों को पता है ड्राइवर वालों के फिजिकल स्टार्ट है। ट्रेड्समैन वेटनरी वाले जो स्टूडेंट हैं वो वेट कर रहे हैं अपने एडमिट कार्ड को लेकर के, फिजिकल की डेट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। जैसी जैसी जानकारी मुझे मिल रही है मैं उनको प्रोवाइड कर रहा हूँ। जी हाँ, इनके फिजिकल भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो आज मैं आप लोग को यहाँ पे जानकारी देने वाला हूँ। मेरे एक बहुत ही अच्छे सब्सक्राइबर हैं जिनका कि सेंटर पड़ा था नरकटियागंज बिहार। जी हाँ, इनका ड्राइवर की पोस्ट के लिए फिजिकल था और लास्ट दिन था ये नरकटियागंज। जी हाँ, नरकटिया सेंटर पे लास्ट दिन था फिजिकल का। तो उन्होंने वहाँ पे फिजिकल भी क्लियर किया, बहुत ही मतलब फिजिकल क्लियर किया, और विभाग डिपार्टमेंट के जो वहाँ पे एम्प्लॉय थे उनसे भी उन्होंने काफ़ी अच्छी वार्तालाप करी, काफ़ी डिस्कस किया अपने फिजिकल को लेकर के भी। मीन्स उनका फिजिकल काफ़ी समय पहले था, लेट पहुँचे, उसको लेकर के काफ़ी वहाँ पे उन्होंने उनके साथ मतलब वहाँ पे जो एम्प्लॉयज थे उनके साथ उनकी डिस्कस हुई। इसके अलावा आपके जो आने वाले समय में ट्रेड्समैन के फिजिकल वगैरह हैं वेटनरी के, उनकी डेट को लेकर के उन्होंने वार्तालाप करी, जानने की कोशिश करी। इसके अलावा ड्राइवर को लेकर के जो LMV HMV लाइसेंस है इसको लेकर के भी उन्होंने काफ़ी डिस्कस किया वहाँ पे जो भी एम्प्लॉयज थे, ठीक है, चाहे वो नीचे लेवल पे हो या फिर अधिकारी लेवल पे, सभी से उन्होंने वहाँ पे डिस्कस किया। तो बहुत ही अच्छी जानकारी उन्होंने मुझे प्रोवाइड करी है आज लास्ट दिन नरकटियागंज सेंटर से। काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है आप लोग के ट्रेड्समैन के एडमिट कार्ड को लेकर के। तो जो जानकारी उन्होंने दी है क्या वो सही है, वो सही होगी नहीं होगी, पूरी जानकारी आप लोग को मेरे इस वीडियो में मिलने वाली। तो वीडियो आप लोग लास्ट तक देखेंगे। और इसके अलावा यदि आप लोगों ने ड्राइवर के लिए अप्लाई किया था, फिजिकल वगैरह क्लियर किया है, तो काफ़ी अच्छा उन्होंने वहाँ पर डिस्कस किया है, आप लोग को वीडियो देखना चाहिए, आप लोग को जानकारी मिलेगी। इस वीडियो से काफ़ी अच्छी जानकारी आप लोग को मिलने वाली है, तो वीडियो लास्ट तक देखेंगे। तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है मेरे इस स्टूडेंट्स का, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, चाहे वो अपनी रनिंग को लेकर के हो, फिजिकल को लेकर के हो, या फिर वहाँ पे मौजूद अधिकारियों से वार्तालाप, बहुत अच्छा डिस्कस किया उन्होंने। चलिए चलते हैं, मैं आप लोग को पूरी कॉल रिकॉर्डिंग उनकी सुनवाता हूँ। चलिए। हेलो हेलो गुरु जी, प्रणाम। प्रणाम। मार दिए बाजी मार दिए। अठारह मिनट छत्तीस सेकंड दूसरे नंबर पे थे। दूसरे नंबर पे भाई, तुमने तो मतलब रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। और दूसरी बात की सर, मेरा तो सर लेटर देख के हड़क रहा है सब साला, पता ना मैंने क्या कर दिया ऐसा। कह रहा भाई तू कैसे दिल्ली हेडक्वार्टर से लेटर टाइप करवा के लिए आया, कैसे क्या कर लिया तूने यार, इतना तो हम दिमाग भी नहीं दौड़ाते, इतना तेरे पास कैसे दिमाग आ गया, ये वो सिपाही जो मेरा लेटर देखता वो हड़क जाता साला। और हम लोग पांच लड़के बैक डेट वाले थे सर, जिसमें एक 12 तारीख का सबसे पुराना मैं ही था, नहीं तो एक 16 तारीख का लड़का था, और भी लड़के थे, मतलब पांच में मैं ही एक क्वालिफाई किया बैक डेट वाला, और सब छट गए, हाइट में छट गए, कुछ कुछ चेस्ट में छट गए। टोटल 92 कैंडिडेट प्रेजेंट हुए थे, जिसमें सर 92 में 42 मतलब क्वालिफाई किए हैं फिजिकल और मतलब ये PhD और PhD, मतलब 50% करीब लगभग। हाँ सर, 4 तारीख से फिजिकल चालू है, वीडियो बना दीजिए। हाँ वीडियो बना रहा हूँ, बोलते जाओ। हाँ 4 तारीख से ना, 4 तारीख से मतलब सभी ट्रेड का वीडियो मतलब ये है ना कि चालू है। 4 तारीख से, 4 मई से? हाँ सर 4 मई से वहाँ कह रहे हैं, हमने पूछा ना, कह रहे हैं 4 मई से पूरे 10 सेंटर। 4 मई से कैसे हो जाएगा यार, 4 मई में तो अभी फिजिकल चल रहे हैं ड्राइवर वालों के। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ, तो कह रहा कि हमें कहा सर कैसे, मुझे लग रहा है पता है क्या सर, ये जिस सेंटर पे खत्म होते जा रहा है ना वहाँ ये चालू कर दे रहे हैं पहले। अच्छा। हाँ ऐसा ही सिस्टम है, क्योंकि 4 मई उन लोगों ने मेरे को बोला, सबको बोला उन लोगों ने कि 4 तारीख से फिर चालू हो रहे हैं। और एक जम्मू एंड कश्मीर का था, सगीर अहमद नाम का बंदा कश्मीरी था। हाँ। और भी वहाँ एक दो बिहार के थे, मतलब सारे अदर बोर्ड के तो आए हुए हैं बहाली लेने के लिए, तो वो कह रहे थे कि मतलब आपको वही है कि मतलब 4 तारीख से चालू है यहाँ पे अदर ट्रेड का, कल यहाँ खत्म हो जाएगा फिजिकल 27 को लास्ट। अच्छा 4 तारीख से, यार इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिल रही यार, देखते हैं। चलो ठीक है, अच्छी बात है अगर 4 तारीख से हो रहा है तो। हम वो तो सर हम लोग भी, मैं भी वही सोच रहा हूँ कि 4 तारीख से कैसे होगा, मुझे लग रहा है इधर खत्म हो रहा है ना, इस वजह से इधर ये चालू कर दे रहे हैं अपना अलग। नहीं, 4 तारीख से कैसे पॉसिबल है, देखो अभी तो अगर होगा तो 12 दिन पहले एडमिट कार्ड देते कि नहीं देते।
वो तो है ही सर, कैसे हो जाएगा, उन्हें जानकारी नहीं है, मैं बता रहा हूँ, मैं जानकारी दे रहा हूँ, जानकारी उनके पास नहीं है, छोड़ो मारो गोली उनको। चार तारीख कह रहे हैं, साला चार तारीख कैसे कैसे, सब चार ही तारीख कह रहे हैं, चार तारीख से सारे सेंटर पे चालू हो जाएगा। उनको नहीं पता, वो सेंटर पे पता ही नहीं है, चार तारीख कैसे हो जाएंगे, चार दिन इधर और चार दिन इधर, आठ दिन पहले, अभी तक एडमिट कार्ड भी कोई दर्शन भी नहीं दे रहा एडमिट कार्ड। जो मेरे से आगे लड़का मारा ना सर, वो मतलब नेशनल खेला हुआ था, 17 मिनट उसने मारा 42 सेकंड में। अच्छा। और एक्चुअली सर वो लड़का, उसको बेचारा उसका चेस्ट नहीं पूरा हो रहा था, कमांडेंट प्रवीण जी थे और डीआईजी साहब आए थे, डीआईजी साहब, तो वो कमांडेंट प्रवीण जी ने बोला कि आप लोग अपील कर लो, 6 लड़के थे, बोला कि 6 लड़के थोड़ा सा जिसको हाइट में डाउट है वो हाइट के लिए थोड़ा सा अपील कर ले, और जिसको चेस्ट में डाउट है चेस्ट में कर ले, पर कोई भी अपील नहीं कर रहा था, पर कमांडेंट साहब ने जबरदस्ती अपील करवाया प्रवीण जी ने, और अपील करवाने के बाद डीआईजी साहब आए, डीआईजी साहब आने के बाद डीआईजी साहब ने खुद सबका मेजरमेंट किया, मेजरमेंट करने के बाद कोई भी मतलब क्वालिफाई नहीं हो पाया 6 में भी दोबारा। अच्छा। मतलब वो कोशिश, वो क्योंकि पिछली बार तो उन्होंने कर दिया था थोड़ा बहुत जिनका चेस्ट वगैरह कम था, पर सर बहुत ही साफ सुथरी बहाली हो रही है और बहुत ही बढ़िया बहाली हो रही है, और हर चक्कर में वही आपको टाइमिंग बताई जा रही थी, एक कैंडिडेट, एक सिपाही 7 कैंडिडेट का रिकॉर्ड लिख रहा है हर चक्कर का, कि आप कितने चक्कर मार दिए, और मैं अपने उंगली से इशारा कर रहा था, यदि मैं पहला चक्कर मार देता था तो पहली उंगली उठा देता था, मतलब इंडेक्स फिंगर उठा देता था राइट उंगली की, फिर दूसरा चक्कर तो दूसरी उंगली मिड फिंगर, फिर तीसरा, ऐसे ऐसे मैं अपनी उंगलियां उठाते जा रहा था हर चक्कर में, बताते जा रहा था उसको, और यही है कि हर चक्कर में टाइमिंग बता रहे थे। मैंने वही आपको 5 चक्कर जब मैंने मारे थे तो मेरा हो गया था वही आपको 9 मिनट 36 सेकंड हो गया था टाइम। अच्छा। हाँ वही 400 मीटर का ही है ना पूरा। हाँ 400 का ही है सर। वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है, बड़ा वाला स्टैंड पे कैमरा लगा हुआ है, वही पैनासोनिक का वीडियो रिकॉर्डिंग वाला बड़ा सा, उससे पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही थी। चलो। जहाँ पे हम 400 अपना पूरा करते थे वहाँ पे पूरा चेहरा कैप्चर आता था, और हर चक्कर में अपना बैच नंबर भी बोलना था। अच्छा अच्छा। हाँ तो बैच नंबर भी बोलते थे हम लोग। चलो ठीक है, ये तो चीज बढ़िया आएगी, मतलब साफ सुथरी बहाली हो रही है, मतलब ऐसी दिक्कत। हाँ एकदम सर, और मतलब ड्राइवर का तो कंपटीशन ही खत्म हो गया, और ये भी कह रहे हैं हम, कहे सर ये बताइए आप लोगों ने LMV पे कॉल करवा दिया है लाइट मोटर व्हीकल पे, और यहाँ हैवी पर वो है, तो कह रहा है कि अभी बोर्ड का कुछ कह नहीं सकते, बोर्ड आएगा ना तो ये सारे LMV वाले छट जाएंगे, और दूसरी बात की HMV लिया जाएगा, और HMV वही लिया जाएगा वही उसी टाइम का, 20 से 2 साल पहले का, अगस्त के फॉर्म के लास्ट डेट से पहले का, 2 साल पहले का, 2 साल पहले का बता रहे। ये तो बहुत लंबा हो जाएगा फिर तो। हाँ दूसरी बार 2 साल पहले का तो सर बहुत वो हो ही जाएगा, तो फिर ऐसा क्यों करना, नहीं ठीक है ठीक है वो सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए ना, तो पूछो भी ऐसा आप क्यों। यही तो पता है क्या, ये मुझे लगता है ना ये 42 साल लड़के कोर्ट केस ना कर दे, पर कोर्ट केस करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब बोर्ड आएगा ना, और बोर्ड जो अपना नोटिफिकेशन निकालेगा, क्योंकि वहां कह रहे थे कि बोर्ड आने वाला है, बोर्ड आएगा ना जब रिटर्न ट्रेड टेस्ट के लिए बोर्ड आएगा, तो बोर्ड अपना नोटिफिकेशन जारी करेगा, और वो बताएगा कि आपका हैवी लाइसेंस लगेगा कि LMV लगेगा। अच्छा। और LMV तो वो भी मना कर रहा था, सारे सिपाही मना कर रहे हैं LMV के लिए, तो नहीं, देखो बोर्ड जो है LMV के तो नहीं बोलेगा, HMV तो बोलना ही बोलना, ये हो सकता है कि जिसे तुम बता रहे हो 2 साल पुराना वो चीज ना ले, ये हो सकता है कि लास्ट डेट से पहले का मांग ले, बस इतना कर सकता है बोर्ड। सर सिपाही क्या कह रहे हैं कि 2 साल बैक डेट लेगा, दूसरी बात की HMV लेगा, तो मैं कह सर कि सर ये आप लोगों की गलती है ना, और ये अभी बोर्ड की गलती है ना कि LMV वाले को भी कॉल करा रहा है, क्यों करा रहा है LMV वाले को कॉल, जब 1,43,000 कैंडिडेट पूरा क्वालिफाई हुए हैं ऑल इंडिया फिजिकल के लिए, चाहे मतलब फॉर्म भरे गए हैं, तो इतना कॉल ही नहीं कराना चाहिए, LMV छाट देता उसी वक्त, LMV को किसी को कॉल ही नहीं देता, और सारा LMV वाला आया है सर। मुझे लगता है ना कि हम लोग 92 बच्चे गए ना सर, तो 92 में मुझे लगता है ना 5 या 10 लड़का के पास लाइसेंस जो होगा ना हेवी होगा, नहीं तो सब लाइट मोटर व्हीकल है। ये तो मैं भी जानता हूँ, यही तो मैं भी कह रहा हूँ, ये तो बहुत गलत हो रहा है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। और क्या, और देखो कंपटीशन तो आने वाले समय में बहुत ही कम हो जाएगा, वो तो है सर। और दूसरी बात हमने पूछा सर भर्ती उर्ती बढ़ने वाली है, तो कह रहे हैं बाबू कुछ कह नहीं सकते, भर्ती बढ़ भी सकती है, पर हमारे पास अभी उतनी जानकारी नहीं है, पर भर्ती बढ़ भी सकती है। कमांडेंट है प्रवीण कुमार, डिप्टी कमांडेंट है लड़की है रीना, कोई है, मतलब रीना मीना करके है से कुछ, मतलब टाइटल है राजस्थानी है, और AIC है, और डिप्टी कमांडेंट है कोई इधर आसाम साइड का है कोई, और DIG साहब आए थे, तो DIG साहब आए स्कॉर्पियो बाइट के मेजरमेंट के लिए, और वो तो जबरदस्ती, मतलब प्रवीण कुमार इतना बढ़िया कमांडेंट है ना, उसने जबरदस्ती 6 लड़कों का अपील करवाया, कोई लड़का अपील नहीं कर रहा था, एक लड़का बोला कि सर मेरे को वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा दीजिए, मेरे को लगता है मेरा चक्कर 12 चक्कर हमने मारा है, तो उसको वीडियो लैपटॉप पे जाके वीडियो रिकॉर्डिंग भी दिखाई गई, वो जो हार्ड डिस्क लगा के,
कि तू वीडियो रिकॉर्डिंग भी देख ले, तब तेरे को विश्वास हो जाएगा कि तूने कितने चक्कर मारे हैं। मतलब एकदम साफ सुथरी बहाली हो रही है, कोई धांधली बाजी नहीं। चलो वो तो अच्छी बात है, वो तो ठीक है, बहाली तो अच्छी हो रही है, बस थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे जो है ना बच्चों को आने वाली है लाइसेंस को लेकर के। हाँ वो तो, और सर हम लोगों ने सभी बच्चों ने यही कहा सर ये आप लोगों की गलती है कि सर आपने लाइट मोटर व्हीकल को कॉल कराया, क्यों कॉल कराया, आपको एडमिट कार्ड ही नहीं देना चाहिए था। बिल्कुल स्क्रीनिंग करके तुरंत फॉर्म को रिजेक्ट करते, उसको फॉर्म तुरंत रिजेक्ट करते नहीं ये वो। हमने कहा सर ये तो आप गलत कर रहे हैं ना, इससे तो हमारे भी पेट पे लात पड़ेगी, नहीं बोर्ड आएगा तो फैसला लेने वाला है, पर एचएमबी लिया जाएगा, एलएमबी को मान्यता नहीं दी जाएगी। हम कहा ठीक है देखिए क्या करता है सर। टोटल जितने मेरे कमरे में था ना जहाँ मैं रुका हुआ था सबके पास लाइट 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 लाइट, मतलब किसी के पास नहीं। एक लड़का दिल्ली में डीटीसी बस चलाता है, वो गया था दिल्ली से, वो भी छट गया था रनिंग में ही, वो भी हैवी लेके गया था और एक मैं हैवी लेके गया था, नहीं तो सब लाइट सब लाइट बिल्कुल। अरे मैं बता रहा हूँ तुम्हें अनीस, इतना कम कंपटीशन रहेगा, थोड़ी सी जिसने मेहनत कर दी और जिसके पास हैवी है, मैं ये कह रहा हूँ कि सिलेक्शन के पूरे पूरे चांस है। हाँ सर अब मैं रिटर्न के लिए जी जान लगा दूंगा, अब रिटर्न में पढ़ूंगा दबा के बढ़िया से, और रिटर्न उतना है नहीं सर, बस मेरे को टारगेट 80-85 का लेके चलना है कि हाँ मतलब इतना नंबर आ जाए कि मेरा रिटर्न का दिक्कत ना हो मेरिट का, और उसके बाद गाड़ी पे ध्यान दूंगा। ठीक है बहुत ठीक है, अच्छी जानकारी दी तुमने। तो सेंटर का नाम बता दो अपना। जी सर नरकटियागंज। हाँ सर 44 बटालियन नरकटियागंज। हाँ SSB कैंप।